जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले बोनस शेयर के बारे में। बोनस शेयर क्या होता है? बोनस शेयर का मतलब होता है फोकट का शेयर, प्रे का शेयर जो इन्वेस्टर को देती है कंपनी। तो अगर कोई पूछे कि भाई क्या होता है बोनस शेयर, तो सिंपली आप बोल देना फ्री शेयर्स गिवन बाय द कंपनी टू देयर इन्वेस्टर्स। अपने इन्वेस्टर को जो कंपनी फ्री शेयर दे रही है वही बोनस शेयर होता है। अब बोनस शेयर जब बोनस डिक्लेयर होता है ना, तो वो कुछ रेशियो के हिसाब से डिक्लेयर होता है। बच्चे उसमें फंस जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, या जो न्यू जो इन्वेस्टर्स होते हैं एक्चुअली वो नहीं समझ पाते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी ने शेयर बोनस डिक्लेयर किया 1:1, कितना 1:1। 1:1 का क्या मतलब है? 1 free share for every 1 share held। अब ये तो समझ आ गया 1:1 रेशियो, तो वो कोई वो नहीं होगा, ठीक है। अब मान लीजिए 1:2 होता है, इसका क्या मतलब है? 1:2 का क्या मतलब है? 1 free share for every 2 share held या held, जो भी कहना चाहो, ठीक है। तो 1:2 का मान लीजिए 1:3 लिखा हुआ रहता, तो 1:3 का मतलब है 1 free share for 3 shares hold, यानी आपने 3 share के बदले 1 share मिल रहा है। 2:3 अगर बोनस मिल रहा है तो इसका क्या मतलब है? फॉर एवरी 3 मतलब 2 बोनस शेयर मिलेगा फॉर एवरी 3 share held, ठीक। 2:5 का क्या मतलब है? 2 free shares for every 5 share held। तो बोनस में रेशियो आपको समझ आ गया। बोनस के लिए अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं, आपको बोनस चाहिए, तो आपको बेसिकली ये 3 डेट ना ठीक से समझना पड़ेगा। एक होता है अनाउंसमेंट डेट, दूसरा होता है एक्स डेट, और तीसरा होता है रिकॉर्ड डेट। तो अनाउंसमेंट डेट का मतलब है कि वह डेट होता है जिस डेट के दिन कंपनी ये अनाउंसमेंट करती है कि वो बोनस शेयर देगी, और एक्स डेट होता है कि एक्स डेट का मतलब उस डेट से पहले अगर आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं, आपके डीमैट अकाउंट में हैं, आपने शेयर्स खरीद लिए, उस डेट से पहले अगर आपने शेयर्स खरीदे तो आप बोनस के लिए एलिजिबल है एक्स डेट से पहले। रिकॉर्ड डेट होता है वो डेट जिस दिन आपके डीमैट अकाउंट में शेयर होनी चाहिए, अगर है तभी आपको बोनस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो आप 3 डेट को हमेशा से, अब ये जो अनाउंसमेंट डेट है और जो एक्स डेट है ना, इन दोनों के बीच में लगभग 1 से 1.5 महीने का गैप होता है। तो आप अनाउंसमेंट डेट को आप फॉलो करोगे, जैसे अनाउंसमेंट बोलती है तो आप शेयर्स खरीद लो, आपको बोनस मिल जाएगा। पर वो ध्यान रखिए एक्स डेट से, है ना, एक्स डेट से पहले खरीदना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए रिकॉर्ड डेट 22 तारीख को है ना, तो उससे 2 दिन पहले एक्स डेट होता है एक्चुअली में। वर्किंग डेज होना चाहिए, देखिए अगर बीच में कोई हॉलीडे हो रहा है तो 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, मान लीजिए सैटरडे संडे आ गया तो, है ना, तो वो भी हो सकता है। तो अब 2 वर्किंग डेज की बात कर रही हो, और शेयर मार्केट के अंदर वर्किंग डेज फ्राइडे तक होता है, सैटरडे संडे इन जनरल क्लोज रहता है अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं हो रही तो।